अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी सहायक के बाद अब उपराष्ट्रपति की प्रेस सचिव को कोरोना हो गया है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बैठक के दौरान दी। ट्रंप ने कहा कि उपराष्ट्रपति की प्रेस सचिव केटी मिलर को कोरोना वायरस हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस में कुछ स्टाफ ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस में दो दिन में कोरोना का ये दूसरा मामला है। Tested very recently and tested negative. And then today, I guess for some reason, she tested positive. So Mike knows about it and Mike has done what he has to do. But they've taken all of the necessary precautions. I understand Mike has been tested, Vice President, and he tested negative. रियाज नायकू के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने नया कमांडर ढूंढना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन रियाज नायकू के किसी करीबी को कमांडर बना सकता है। खबर है कि सैफुल्ला उर्फ औरंगजेब हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर हो सकता है। रियाज नायकू का करीबी सैफुल्ला A++ कैटेगरी का आतंकी है और फिलहाल कश्मीर में सक्रिय है, और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी सैफुल्ला की तलाश तेज कर दी। दो दिन पहले सुरक्षा बल ने रियाज नायकू को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साथ पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। तबलीगी जमात के मरकज से जुड़े करीब 30 बैंक खातों की जानकारी जांच एजेंसी के हाथ लगी है और उनमें कुछ बैंक खातों को सीज भी कर दिया गया है। मौलाना साथ से जुड़े इन खातों में जमा पैसों और विदेशी फंडिंग की जाँच की जा रही है। मरकज और ट्रस्ट का मुख्य बैंक अकाउंट पहले ही सीज किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों ही इन तमाम बैंक अकाउंट पर नजर बनाए हुए थे और दोनों एजेंसियां इन बैंक अकाउंट्स पर अपनी तफ्तीश कर रही हैं। पंजाब से स्पेशल ट्रेन के जरिए यूपी के हरदोई पहुंचे 12 मजदूर कोरोना संदिग्ध मिले, जिन्हें जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। लॉकडाउन की वजह से पंजाब के अलग अलग शहरों में फंसे करीब 1200 मजदूर अपने गांव लौट आए और हरदोई स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद डॉक्टरों ने एक एक कर सभी लोगों के शरीर का तापमान मापा। जांच के दौरान 12 मजदूरों की तबीयत खराब मिली, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। इनमें से 12 लोग फिलहाल संदिग्ध पाए गए हैं, जिनको कोरोना टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूरों को एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा किया गया। जांच पूरी होने के बाद सभी मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर रवाना कर दिया गया। लंबे वक्त से पंजाब में फंसे ये मजदूर अपने घर लौटकर काफी खुश दिखाई दिए। सरकार को मैं धन्यवाद करती हूँ, हम अपने घर आ गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डीएम ने लॉकडाउन के बीच सब्जी बेचने वाली एक महिला की सब्जियां खरीद ली। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डीएम ने कई पुलिस वालों के साथ फ्लैग मार्च किया और तभी उनकी नजर सड़क किनारे सब्जी बेच रहे एक बुजुर्ग पर पड़ी। पुलिस वालों के साथ डीएम उस महिला के पास पहुंचे और पैसे देकर उसके पास मौजूद सब्जियों को खरीद लिया। इतना ही नहीं, डीएम ने कोरोना से बचने के लिए उस महिला को मास्क पहनने के लिए भी समझाया। सब्जियां खरीदने के बाद डीएम ने उस महिला को घर भेज दिया। रूस के साइबेरिया में जंगलों में लगी आग अब खेतों तक फैल गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। लॉकडाउन के बाद से वहां जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 20% की बढ़ोतरी हुई और तेज हवाओं की वजह से जंगलों में लगी ये आग खेतों तक पहुंच गई। धीरे धीरे इस आग ने खेतों में खड़ी फसल को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतने बड़े इलाके में फैल गई कि उसकी लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी, जबकि खेतों से निकलते धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, तेज हवा की वजह से इस आग ने पास के हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने केमिकल की भी मदद ली। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना वायरस के मरीज के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के गाना गाने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में पीपीई किट पहने एमडीएम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी हौसला बढ़ाने के लिए गाना गाते नजर आए। कुछ डॉक्टर गाने पर झूमते हुए भी दिखे। जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, ऐसे में गाना गाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत कर रहे हैं। पूर्व मुक्केबाज माइक टायसन और इवैंडर होलीफील्ड के बीच फिर मुकाबला हो सकता है। अमेरिका के पूर्व मुक्केबाज माइक टायसन और इवैंडर होलीफील्ड के बीच 20 साल बाद फिर मुकाबला हो सकता है। दोनों कोरोना वायरस से मुश्किल का सामना कर रहे बच्चों की मदद के लिए एक चैरिटी मैच में नजर आ सकते हैं।
दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस एक बुजुर्ग दंपति की शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए केक लेकर उनके घर पहुंची और फिर ये केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक अदालत ने भारतीय मूल की उनकी दूसरी पत्नी से तलाक की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले पीएम हैं। वो जल्द अपनी मंगेतर से शादी करेंगे जिन्होंने हाल ही में उनके बच्चे को जन्म दिया था। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक रिहायशी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में 5 तेंदुए वहां घूमते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैलाश मानसरोवर के लिए एक नई सड़क का उद्घाटन किया। बताया गया कि उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने में अब पहले के मुकाबले 6 दिन कम लगेंगे।